हेलो आई एम वैशाली। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें मैंने प्लाईवुड लिया है, पीओपी लिया है, पीओपी और फेविकोल और वाटर की हेल्प से मैं यहाँ पे टेक्सचर पेस्ट बना रही हूँ। इस टेक्सचर पेस्ट को मैं प्लाईवुड के ऊपर लगाऊंगी ताकि मैं एक टेक्सचर डिज़ाइन दे सकूँ। प्लाईवुड के ऊपर जब ये अच्छे से टेक्सचर पेस्ट लग जाएगा तो उसके बाद मैंने पेंसिल की हेल्प से इसमें एक बेस डिज़ाइन दिया है और एयर ड्राई क्ले का यूज़ किया है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब वह जब सूख गया था बेस, उसके बाद मैंने इसके ऊपर ड्राई पीओपी के ऊपर जो एयर ड्राई क्ले थी उसकी हेल्प से यहाँ पे पेड़ बनाए हैं, ब्रांचेस बनाई हैं, ट्री बनाई हैं, उसकी ब्रांचेस बनाई हैं। आप उसको गोल गोल सिलेंडर जैसा बनाइएगा और उसको यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद मेरे पास मोल्डिंग टूल था, मोल्डिंग टूल की हेल्प से मैंने ये लीव्स बनाई, कम से कम 20 या 30 लीव्स मैंने बनाई थी और उनको अलग अलग डायरेक्शंस में मैं ये पेस्ट करते जा रही हूँ, ठीक है, ताकि ये पूरा घना पेड़ हमें बनाना है। तो एक ही मैंने मोल्ड लिया था, एक ही साइज़ का था और उससे बहुत सारी पत्तियाँ मैं यहाँ अलग अलग तरीके से लगाती जा रही हूँ। जो मैं बेस ग्लू यूज़ कर रही हूँ वो फेविकोल कर रही हूँ और ये मैंने एयर ड्राई क्ले ही यूज़ करी है। मेरी क्ले प्लाई के ऊपर ड्राई हो गई है तो अब मैं ये सारे कलर्स यूज़ करने वाली हूँ इसको कलर करने के लिए, जिसके लिए मैं प्लेट और ब्रशेस भी यूज़ करूँगी। ये क्ले ड्राई होने के बाद मैंने इसमें बेस में ब्लैक कलर दे दिया है, जो वो भी ड्राई हो गया था। अब देखिए, क्योंकि लीव्स मैं बनाना चाह रही हूँ तो लीव्स को डिफरेंट कलर देने के लिए मैंने बेस के लिए ग्रीन कलर यूज़ किया है और जब ये ग्रीन कलर सूख गया था तो मैंने इसके ऊपर ये शाइनी ग्रीन कलर यूज़ किया है। सारे कलर्स की इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपको स्क्रीन में भी लगातार मिलती रहेगी। ये शाइनी कलर हमने ग्रीन के ऊपर इसलिए लिया ताकि वो बेस से ग्रीन कलर मिल जाए और थोड़ा शाइनी कलर लाइट बेस लिए होता है तो उससे आपको बेस भी डार्क मिलेगा और शाइन भी ज़्यादा करेगा, ठीक है। अब इसके बाद मैंने जो ब्राउन कलर की वो ट्री का स्टेम बनाना था और जो ब्रांचेस बनानी थी वो सब मैंने ब्राउन कलर, एक नॉर्मल ब्राउन कलर लिया है, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आप देख सकते हैं ताकि ये थोड़ा चमके, ठीक है। अब जो ये झूला टाइप का हमने बनाया था इसमें मैं ये गोल्डन कलर लगा रही हूँ ताकि ये थोड़ा जो इसकी रस्सी है वो थोड़ी शाइनी सी लगे, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से मैंने इसको ग्रीन कलर दिया है जबकि बेस कलर इसमें ब्लैक ही था, ठीक है। अब ये जब सब ड्राई हो गया था तो मैंने इसके बाद इसमें डबल कोटिंग भी कर दिया था। ये जो बर्ड्स मैंने 2 बर्ड्स बनाई थी इसमें मैं येलो और वाइट, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप येलो में 1 ड्रॉप वाइट यूज़ करके इसको शेडिंग दे रही हूँ बर्ड्स को। अब जो ये घोंसला या नेस्ट आप कह सकते हैं उसको मैंने गोल्डन कलर कर दिया है और गोल्डन के ऊपर मैं एक डार्क ग्रीन कलर की लेयर लूँगी, ठीक है। अब जो ये पोर्शन बचा है उसको हम थोड़ा शेड देंगे ब्लू और वाइट का, ठीक है, जिसमें ऊपर से तो मैं लाइट ब्लू ले रही हूँ और नीचे आते आते ये एक डार्क ब्लू का ही कलर ले लेगा। ये आपको इन्फॉर्मेशन कलर से रिलेटेड आपकी स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज़ बताइएगा कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं और आप किस तरीके के क्ले वर्क या क्राफ्ट या डीआईवाई देखना चाहते हैं।
देख सकते हैं जो जो नीचे कलर मैं यूज़ कर रही हूँ वो ऊपर के कलर के कंपैरिजन थोड़ा ज़्यादा डार्क ब्लू है, तो दैट मींस कि जब आप स्टार्टिंग करें तो ब्लू कलर में वाइट कलर का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा ले लें। ये कंप्लीट हो गया है। अब मैंने जो ये नीचे गोल्डन कलर था, ये जो रोप के नीचे मैंने थोड़ा सा ये गत्ते का पोर्शन अटैच किया था, उसमें मैंने वेलकम लिखा है रेड कलर और ग्रीन कलर की हेल्प से। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर इस तरीके के आप और भी क्राफ्ट्स देखना चाहते हैं, क्ले वर्क देखना चाहते हैं, तो ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। ओके, थैंक यू।